कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं, फिट हैं, अपने अपने घरों में सेफ होंगे सारे। तो जैसा कि एक लेक्चर हमने आपके लिए साइट पे यूट्यूब पे डाला हुआ है, सब लोगों ने देखा होगा। उम्मीद करूंगा आप सबके जहन में कुछ समझ आया होगा उर्दू का, सबको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जहाँ पे ठीक नहीं होगा तो ज़रूर कमेंट भी करेंगे, और समझ आएगा तब भी कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी एक नए जोश के साथ मैं महेंद्र सिंह, स्पेशल बैच नायब जिलदार और पटवारी का लेके आपके सामने आया हूँ। तो अब हम एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, जो कि शॉर्ट फॉर्म के ऊपर है। एक लेक्चर हमारा शॉर्ट फॉर्म के ऊपर आएगा, फिर एक और आएगा, और उसके बाद फिर हम दो चश्मी है के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक शेर सुनाना चाहूँगा आपको कि मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ठीक, तो पूरी मेहनत कर लो, पूरी अपनी हस्ती मिटा लो उर्दू सीखने के लिए, तो अच्छे से सीख जाएंगे। अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे से सीखेंगे, पक्का, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल बेसिक से आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से, इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता उर्दू में। तो जैसे इससे पहले एक बार रिपीट कर दूंगा मैं कि कल के लेक्चर हम क्या पढ़े थे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था बे, पे, ते, टे और से। बे, पे, ते, टे और से, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इनकी शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी। बे को कुछ तोड़ के कैसे लिखा था हमने, बे को लिखा था ऐसे, ऐसे और ऐसे। फिर पे को पे, पे और पे। फिर ते, ते और ते। फिर टे, टे, टे। फिर से, से और से। ऐसी पढ़ा था ना, याद होगा सबको, याद रखना है चीजों को, याद रखना है चीजों को। सिर्फ वीडियो देख के और बंद करके सो नहीं जाना, वीडियो देखना है, साथ में पढ़ना है, लिखना है और याद रखना है चीजों को। हिंदी में, इंग्लिश में इन अक्षरों के साथ साथ लिखते जाया करो, उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा आपका कि भैया, उससे ये फायदा होगा आपको कि भाई पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, किस बात का पता चल जाएगा कि किस अक्षर का क्या नाम है उर्दू में। हिंदी में, अंग्रेजी में साथ में लिखते रहोगे तो जल्दी चीजों को समझ जाओगे, इसलिए बता रहा हूं। तो बे, पे, ते, टे और से तक हम कल पढ़ चुके हैं, अब हम शॉर्ट फॉर्म किसकी शुरू करेंगे, जीम की शुरू करने वाले हैं। तो जीम को कैसे लिखते हैं, ये आपका जीम आ गया। ठीक है, तो जीम को तोड़ के कैसे लिखेंगे, जीम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जीम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, रफ करेंगे इधर। जीम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये, ठीक, ये बिंदु आपने इधर दे दी, इसी को घुमा के आप ऐसे आएंगे तो बिंदु ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा। ठीक, तो बिंदु ऑटोमेटिकली कहां आ जाएगा भैया, बीच में आ जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था जीम का, ये इधर बिंदु दिया, आ गया बीच में, तो ये है आपका जीम। क्या है ये जीम, जीम को तोड़ के कैसे लिखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर साथ में रखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, साथ में रखेंगे, ये जीम, जीम, जीम। एक बेसिक बात आपको बताने वाला हूं, वो क्या है, वो बात ये है कि आपने ऊपर देखा, कल जो हमने क्लास की थी उसमें भी हमने शॉर्ट फॉर्म को तीन तरीके से लिखा, और अब नीचे आज जो शुरू किया हमने इसमें भी, कहने का मतलब यह है कि किसी अक्षर को तोड़ के हम शॉर्ट फॉर्म में तीन ही तरीकों में लिख सकते हैं, सिर्फ एन और गैन को लेकर। एन और गैन को चार तरीके से लिख सकते हैं, जब एन गैन के ऊपर हम पहुंचेंगे उस पर भी बात करेंगे कि एन गैन को चार
तरीके से कैसे तोड़ के लिखा जाता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि किसी भी शॉर्ट फॉर्म को जब हम तोड़ के लिखते हैं तो तीनों दिशाओं में क्यों जाती है? इसलिए जाती है क्योंकि उर्दू में या तो अक्षर ऊपर के लिए होंगे या तो स्ट्रेट आगे के लिए जाएंगे और कुछ आगे जाके नीचे के लिए जाएंगे, मतलब तीन दिशाओं में अक्षर लिखे जाते हैं। इसलिए शॉर्ट फॉर्म जो भी होगी वो तीन दिशाएं देगी हमें, या तो नीचे के लिए, या तो आगे के लिए, या तो ऊपर के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हमको जा लिखना है, किसी को बोलना है तू जा, तो जिम की ये वाली फॉर्म उठाओगे आप, क्यों? क्योंकि ऊपर का मार्ग दे रही है। जैसे हमें पता है उर्दू हम राइट से लेफ्ट के लिए लिखते हैं, तो राइट से हमने शुरू किया ऐसे 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 और यहां जाके खत्म किया इस जीम को, तो ये ऊपर के लिए मार्ग दिया इसने। लास्ट पे जहां पे हमने अंत किया वो फाइनल एरो किस तरफ था हमारा, किस तरफ मार्ग दिया इसने हमें? ऊपर के लिए। तो इसके साथ हम अलिफ जोड़ सकते हैं, अलिफ जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ सकते हैं। तो जा और आ क्या हो गया? जा। उसी तरह एक बे था ऐसे करके, एक बे पड़ा था हमने ऐसे करके, तो इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो गया? ये बा हो गया, ये पा हो गया, ये ता हो गया। वैसे ही करके हमने एक बे ऐसे पड़ा था, इसके साथ आप सीन जोड़ दोगे बस हो जाएगा, ठीक है ना? इसी के साथ ए जोड़ दोगे तो बे हो जाएगा, जैसे बे। इसी के साथ बे के साथ ई जोड़ दोगे तो बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर एक शॉर्ट फॉर्म तोड़ के हम तीन हिस्सों में लिखते हैं, और ये तीनों की तीनों हिस्से, तीनों शॉर्ट फॉर्म जो हैं, तीन दिशाएं बताती हैं हमें, एक नीचे के लिए, एक आगे के लिए, एक ऊपर के लिए। जब हम उर्दू लिखेंगे जिस दिशा का हमें अक्षर इसके साथ जोड़ना होगा उसी दिशा की शॉर्ट फॉर्म को हम उठाएंगे और आराम से जोड़ लेंगे। ये बेसिक बात कर रहा हूँ, जब हम पूरे फ्लो में उर्दू लिखते हैं तो इन बातों का इतना खास ध्यान शायद नहीं रखा जाता, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तीन तरीके से एक अक्षर को तोड़ के लिखने का मतलब ही ये बनता है कि कोई ऊपर के लिए जा सकता है, कोई नीचे जा सकता है और कोई आगे जा सकता है। इसलिए तीन दिशाओं में एक अक्षर को तोड़ के तीन स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, तीन तरीके से लिखा जाता है। तो जीम का हमें पता चल गया, ये जीम है एक बिंदु नीचे। उसके बाद हमारे पास एक नया अक्षर नहीं है बल्कि पढ़ा हुआ है चे, लेकिन इधर नया है। क्या है? चे। चे को क्या है? अंदर तीन बिंदियां, इधर से लेके इधर तक मटा लोगे अगर, इधर से लेके इधर तक मटा लोगे अगर, तो पीछे कैसा स्ट्रक्चर बचेगा? वैसा ही जो यहाँ पे हम आपको बता रखे हैं, ऐसा वाला, ऐसा वाला, इतना सा स्ट्रक्चर बचेगा। यही घूम के इधर जीम, यही चे, यही है और यही खे। यहां से लेके यहां तक मटा लो, पीछे जो इतना सा बचा, पीछे जो इतना सा बचा, इसके नीचे एक बिंदी जीम, तीन बिंदियां चे, कोई बिंदु नहीं है और सर पे एक बिंदी खे हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जीम चे है खे का, ये वाला बस इतना सा। तो यही इसके साथ भी चलेगा, यही इसके साथ भी चलेगा। कैसे चलेगा? चे, चे और चे, ये आ गया आपका चे, ठीक है जी? क्या आ गया आपका? चे, जीम चे। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? उसके बाद नेक्स्ट अक्षर आ जाता है है। है, है का क्या है? जीम चे है, बेसिकली ये है नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये है नहीं है, ये है हाय, हलक से आवाज देता है हाय। जीम चे हाय खे, जीम चे हाय खे, जीम चे हाय खे। तो है को कैसे लिखेंगे तोड़ के? ऐसे ही लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म भी वैसी ही होंगी और साथ में बिंदु होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ बेसिक बिंदु है ही नहीं। तो ये आपका एक है आ गया, ये दूसरा है आ गया और एक तीसरा ऊपर के लिए चला गया। वेरी सिंपल, बस सिर्फ पहचान करनी है, ध्यान लगाना है। इतना मुश्किल उर्दू नहीं है जितना हम सोचते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल भी है, इतना आसान भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो उतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी मेहनत करके आ जाती है, कुछ चीजें होती हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके आती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ना ज्यादा करनी है ना थोड़ी करनी है, ठीक है?
ना ज्यादा करनी है ना थोड़ी करनी है, एवरेज वाली मेहनत करेंगे तो 2-2.5 महीने के अंदर आप लोग उर्दू सीख जाएंगे। नायब तहसीलदार पटवारी के पेपर में आराम से बैठ सकते हो आप पूरा कॉन्फिडेंस लेके, ठीक। और वैसे भी हमारी उर्दू की क्लासेस जो ये ऑनलाइन चल रही हैं आप लोगों तक पहुंच रही हैं, ये जरूरी नहीं है कि नायब तहसीलदार और पटवारी जिन्होंने बनना है जो वो फॉर्म अप्लाई करेंगे वही भरेंगे, ऐसा नहीं है। वही नहीं पढ़ सकते, ये घर में छोटा बच्चा कोई हो उसको उर्दू सिखाना हो, स्कूल पर जाने वाला बच्चा है कोई 7वीं 8वीं वाला 5वीं वाला जो भी है जिसको उर्दू ना आता हो वो सीख सकता है, वो दे सकता है, वो फायदा ले सकता है। कोई और बंदा शौक से अगर उर्दू को सीखना चाहे तो वो भी सीख सकता है, और सीखोगे भी क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर में उर्दू एक क्या है भाई, नेशनल लैंग्वेज है हमारी जम्मू कश्मीर की, स्टेट लैंग्वेज है, ठीक है। चार जो भाषाएं हैं हमारी उनमें जम्मू कश्मीर में उर्दू भी एक भाषा है, अभी उर्दू खत्म नहीं हुआ है, कितनी जमाने हैं हमारी 3-4 तो हैं और उनमें उर्दू अभी भी है, ठीक। तो ऐसा और 8th शेड्यूल के अंदर भी है, फिर जम्मू कश्मीर की हमारी भाषा रही, अब भी है, आगे भी रहेगी, तो क्यों जुबान को खत्म करना है। हम लोग अगर इंटरेस्ट नहीं देंगे, जुबान को नहीं सीखेंगे तो जुबान खत्म हो जाएगी भाई, ठीक। तो जुबान को खत्म नहीं होने देना है, हम लोगों ने इस जुबान को सीखना है, प्यारी जुबान है हमारे हिंदुस्तान की, अपनी जुबान है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, उर्दू इंडिया की लेटेस्ट लैंग्वेज है, लेटेस्ट लैंग्वेज होने के साथ साथ इंडिया में पैदा होने वाली जुबान है। उर्दू बाहर के देशों की जुबान नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर उर्दू जहां जहां बोला जाता है वो हिंदुस्तान से होके गया है, ठीक। हिंदुस्तान में उर्दू पैदा हुआ, यहाँ संवारा गया है इसको, ठीक है, और इस लेवल तक है इस वक्त उर्दू के। कोई भी अगर उर्दू की शायरी, उर्दू की नज़म, उर्दू की अफसाना, नावल या कहानी कोई भी कुछ भी सुने तो उर्दू को नज़रअंदाज कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है जी। बॉलीवुड की मूवीज तो सारी देखते हैं भाई, ठीक, मोर देन 80% उर्दू डोमिनेट करता है, ध्यान से देखिएगा, कभी ध्यान से सुनिएगा। तो उर्दू को नज़रअंदाज नहीं करना है, प्यार भरी भाषा है, प्यार से सीखना है, ठीक है, और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करनी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, कहाँ पहुँचे थे, जीम चे है। अब इस सीरीज में नेक्स्ट अक्षर हमारे पास क्या बचता है भैया, खे, तो हम खे को लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक, सर के ऊपर एक बिंदी, जीम के अंदर एक बिंदी थी जो शॉर्ट फॉर्म में नीचे चली गई, चे के अंदर 3 बिंदियां थी जो शॉर्ट फॉर्म में नीचे चली गई, है के अंदर कोई बिंदु नहीं था, बस स्ट्रक्चर रहे, बिंदियां नहीं है, खे के ऊपर एक बिंदी थी तो शॉर्ट फॉर्म में खे का बिंदु भी कहां पे रहेगा, ऊपर ही रहेगा, तो खे लिखा हमने, ये खे लिखा और एक खे ये लिखा, तो क्या पहचान थी खे की, खे की यही पहचान थी क्योंकि जो बिंदु थी इस स्ट्रक्चर पे वो इसके सर पे थी, जब इन्होंने इसको शॉर्ट फॉर्म में तोड़ के लिखा तो बिंदु तो साथ में रहेगा, क्योंकि बिंदु ही तो डिसाइड करती है कि किस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। एक बिंदु वाला जीन, 3 बिंदियों वाला चे, बिना बिंदु के है, और एक ऊपर सर के ऊपर बिंदी खे, सर के ऊपर एक बिंदी क्या है, खे, ठीक है जी। जैसे खरबूजा लिखना है, खरगोश लिखना है तो खैसे ही बनेगा, हलवाई लिखना है तो है से बनेगा, चरखा लिखना है, चरचर लिखना है, ठीक है, तो चाल लिखना है, चार लिखना है, चा से बनने वाले जितने भी अक्षर होंगे वो सारे के सारे चे से बनेंगे, और जीम जो है जा की आवाज देता है हमें। मैं पहली क्लास में आपको बेसिक जब बताया था, बड़े अक्षर जब हमने अलिफ से लेके बड़ी तक सीखे थे, उसमें मैंने सारा आपको बताया हुआ है कि कौन अक्षर क्या आवाज देता है। फिर भी आप लोगों को मैंने एक और चीज सजेस्ट की थी, क्या सजेस्ट किया था मैंने, मैंने बताया था कि कुछ दिनों के लिए हिंदी और उर्दू, हिंदी उर्दू मिक्स कायदा आता है इसको पढ़ेंगे आप, हिंदी उर्दू मिक्स कायदा आता है इसको पढ़ेंगे आप, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीम चे है और खे के बाद हमारे पास क्या अक्षर थे, आप सबको जैसे पता ही होगा, मैंने पहले ही अलिफ से बुढ़ी तक इसलिए बताए थे ताकि हमें पहले बड़े अक्षर पता होंगे, उसके बाद ही तो हम शॉर्ट फॉर्म करवाएंगे ना, ठीक। मैं ऐसे भी करा सकता था कि बड़े अक्षर करवाने के साथ साथ उसकी शॉर्ट फॉर्म डायरेक्टली भी करवा सकता था, लेकिन ऐसे थोड़ा समझने में दिक्कत होता, क्यों दिक्कत होता, क्योंकि पहले हमें अलिफ से बड़ी तक जब पता है कि भाई ऐसे अक्षर हैं ये, ठीक, तो उनकी शॉर्ट फॉर्म ऐसी होंगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो बड़े बड़े अक्षर हैं पहले आपको उनके स्ट्रक्चर पता होंगे,
उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और साथ में बिंदु कितनी कितनी, वो चीजें पता होंगी तो तब आपको शॉर्ट फॉर्म में जब हम तोड़ के लिखते हैं तो बिंदु तो पूरे पूरे साथ होते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता क्योंकि आपको बिंदी ऑलरेडी पता है। जिम का जैसे पता था ऑलरेडी एक बिंदी है तो शॉर्ट फॉर्म में भी एक होगी। चे का पता था तीन होंगी तो एक बिंदी शॉर्ट में भी होगी, तीन बिंदियां शॉर्ट में भी होंगी। है का पता था कोई बिंदु नहीं है तो शॉर्ट फॉर्म में कोई बिंदु नहीं होगा। खे का हमें पता था कि इसके सर के ऊपर एक बिंदु है और ऐसा वाला स्ट्रक्चर है तो शॉर्ट फॉर्म में जब हमने इसको लिखा तोड़ के तो खे के सर के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में एक बिंदु आई। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ, एक ही चीज बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इतना स्लो चल रहा हूँ, कारण क्या है, क्योंकि बेसिक अक्षरों को सीखना है हमने। आप ध्यान दें ठीक से, यही छोटे अक्षर जुड़ के पूरा उर्दू लिखा जाता है, यही छोटे अक्षर। इसमें से कोई ऐसा अक्षर नहीं होता जो काम का ना हो, मीनिंगलेस इसमें कोई भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अहम भूमिका निभाते हैं ये सारे, ठीक है। हर एक शॉर्ट फॉर्म काम की है, ऐसा नहीं है कि जो नीचे जा रहा है, जैसे ये नीचे जा रहा है जो पहले वाला, ये ज्यादा ही काम वाला है, या जो सीधा है वो ज्यादा ही काम वाला है, ऊपर वाला ज्यादा ही काम का, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक शॉर्ट फॉर्म को अलग अलग वक्तन फक्तन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे सबका इस्तेमाल होता है। इसलिए सबको सीखना है आपने, जब सबको बड़े अक्षर और टूट के हम सीख लेंगे उसके बाद फिर इन्हीं को जोड़ करके हम लफ्ज बनाना सीखेंगे। अभी तो हम हर्फ सीख रहे हैं, हर्फ को तोड़ के सीख रहे हैं अभी, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हर्फ को जोड़ के लफ्ज बनाना सीखेंगे, ठीक है, हर्फ से लफ्ज बनाना सीखेंगे, और जब लफ्ज बनाना सीखेंगे तो फिर जुमले बनाना भी सीखेंगे, और जब जुमले बनाना सीख लिए तो फिर आप लोग उर्दू अदब को बड़े शौक से पढ़ सकते हैं। अच्छी अच्छी कहानियां हैं, नावल हैं, किस्से हैं, गजलें हैं, ठीक है, रवायत किते, जो भी आपको जो चीज पसंद आए पढ़ने के लिए वो आप पढ़ सकते हो। उर्दू का अखबार पढ़ सकते हो आप, उर्दू के डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो आप, ठीक। लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, नेक्स्ट वर्ड की ओर जाएंगे। नेक्स्ट अक्षर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट अक्षर था दाल, डाल और जाल, जाल के ऊपर एक बिंदु। तो ये दाल डाल और जाल जो है ना, इस सीरीज में इनकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। दाल डाल और जाल जो हमने पढ़े थे, मतलब दा डा जा, इनकी जैसे ना दाल डाल और जाल, इनकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक। ये किसी के साथ जुड़ेंगे तब भी वैसे ही रहेंगे, और अगर इनसे कुछ बनेगा तो शुरू में आएंगे तब भी सिंगल ही रहेंगे। तो दाल डाल जाल की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, याद रखना है ठीक से। उसके बाद हमारे पास एक और सीरीज थी, कौन सी थी वो, दाल डाल जाल के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट सीरीज थी रे अड़े जे से, क्या था, रे अड़े जे और से, इनका क्या था, रे के ऊपर कोई बिंदु नहीं था, अड़े के ऊपर नुक्ता था, ये नुक्ता तीनों के ऊपर आता है, डाल के ऊपर, अड़े के ऊपर और टे के ऊपर। मैंने ध्यान से पहली क्लास देख लेना, ध्यान से मैंने समझाया हुआ है ठीक अच्छे से कि नुक्ता सेम है, अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये अलग अलग अक्षर क्रिएट करता है, अलग अलग नाम दे देता है। टे के ऊपर आया टे दे दिया, ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर आया डाल दे दिया, और ऐसे स्ट्रक्चर पर आया इसका नाम अड़े दे दिया इसने। तो दाल डाल जाल, रे अड़े जे और चे, इनका कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इनका कोई भी शॉर्ट फॉर्म क्या है भैया, नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम कहां चलेंगे, रे अड़े जे से के बाद हम चलेंगे किसके ऊपर चलेंगे, इसके बाद हम चलेंगे सीन और शीन के ऊपर, दाल डाल जाल रे अड़े जे चे। इसके बाद क्या लिखे थे हम, याद होगा आपको शायद, सीन, क्या लिखे थे, सीन, सीन को तोड़ के क्या, सीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे हम रफ करते हैं, ध्यान देंगे इस साइड भी, इस साइड हम रफ करते हैं, इस लाइन से इस साइड हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। सीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सीन का बेसिक स्ट्रक्चर है भैया ये इतना सा, ठीक, बाकी बड़े सीन में चलो ये घुमा के हमने ऐसे ये लिख देते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है, सीन का बेसिक स्ट्रक्चर है इसके ये तीन दांत, बस
तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, ये तीन दांत इसके साथ में चलेंगे, सीन के बिल्कुल साथ में चलेंगे। कैसे चलेंगे? वैसे ही एक नीचे एक आगे एक ऊपर, प्रैक्टिस करना आप खुद से भी लिखने की, ठीक है। कैसे होगा? एक नीचे, कैसे होगा, एक एक नीचे एक आगे एक ऊपर, ठीक है। एक नीचे एक आगे एक ऊपर, वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर साथ में है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर इसका? इसके तीन दांत, ठीक है। तो ये आ गया आपका सी। इसके बाद नेक्स्ट अक्षर क्या लिखा था हमने? नेक्स्ट अक्षर लिखा था हमने भैया शीन। क्या लिखा था? शीन। सेम बनावट थी इनकी, फर्क क्या था? शीन के ऊपर तीन बिंदियां थी, सीन के ऊपर कोई बिंदु नहीं था, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में भी कोई बिंदु नहीं आएगा। अब क्या है? शीन। शीन को क्या लिखेंगे हम? ऐसे ही लिखेंगे तोड़ के, शॉर्ट फॉर्म तो सेम ही होंगी, शीन शीन शीन। एक नीचे का मार्ग दे रहा, एक आगे का मार्ग दे रहा, एक ऊपर का मार्ग दे रहा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? शीन, ठीक है। ये आ गया आपका शीन, सीन शीन सीन शीन सीन शीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? इसके बाद आने वाला नेक्स्ट अक्षर जो होगा हमारे पास, वो होगा, वो क्या होगा? स्वाद। क्या होगा? स्वाद, ठीक। क्या होगा हमारा? स्वाद। स्वाद, स्वाद को तोड़ के कैसे लिखेंगे? अब रफ करते हैं, इधर लिख देता हूं, इधर रफ करते हैं। स्वाद का क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? ये, ठीक। ये क्या है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म के साथ ये बिल्कुल भी साथ चलेगा। इसका मतलब हुआ कि ये शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ चलेगा। तो शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ कैसे चलेगा? शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ चलेगा कैसे चलेगा भैया? ऐसे, आगे ऊपर, ठीक। कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक। तो तीन तरीके से हमने इसको लिख दिया, ठीक है जी। एक नीचे, एक आगे, एक ऊपर। अब स्वाद के बाद नेक्स्ट अक्षर हमारे पास क्या था? नेक्स्ट अक्षर हमारे पास था, क्या था नेक्स्ट अक्षर? ज़वाद। क्या था? ज़वाद। ज़वाद की पहचान क्या थी? इसके सर पे एक बिंदी थी। तो शॉर्ट फॉर्म जब हम लिखेंगे तो ज़वाद के ऊपर भी एक बिंदु आएगा। कैसे लिखेंगे? ज़वाद, ज़वाद और ज़वाद, ठीक। एक नीचे का मार्ग दे रहा है, एक आगे का मार्ग दे रहा है, एक ऊपर का मार्ग दे रहा है। मैं आपको बार बार एक ही चीज फिर बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं बार बार कि एक नीचे एक आगे एक ऊपर? क्योंकि चीजें याद नहीं रहती, चीजें भूल जाती हैं। ये शुरुआत है, यहाँ पे आपको बहुत अजीब लगेगा, हर बात अजीब लगेगी कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, ये बार बार एक ही चीज क्या बता रहा है। चार अक्षरों में पूरी क्लास खत्म हो गई भैया। बेसिक सीखने के लिए 10 क्लासें जो है ना, ठीक, 10 क्लासें टोटल शुरू से लेके 10 क्लासें अगर जो अटेंड कर गया बढ़िया तरीके से, तो उसके बाद फिर वो कभी रुक भी नहीं सकता, इतना हम दावा कर सकते हैं आपको। इसलिए बेसिक क्लासेस के अंदर कोई आप लोगों ने ढीलापन नहीं करना है, और कोई बोर नहीं होना। ये नहीं सोचना आपने कि भाई एक ही अक्षर को इतना बार बार घुमा फिरा के क्यों बता रहा है, एक ही अक्षर को इतने तरीके से क्यों घड़ी घड़ी बता रहा है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही मेन है, यही जरूरी है। ये पहचान अगर आपने कर दी ना बिग बड़े फॉर्म की और शॉर्ट फॉर्म की, तो बस आप कहीं भी कुछ भी लिखा होगा ना उर्दू में, आप आइडेंटिफाई कर दोगे कि भैया ये कौन सा अक्षर है, भैया तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा गया, हाँ यार ये चीज। जब आपको ये पहचान आ जाएगी ना
तो उसके बाद फिर हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैं बार बार चीजों को बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसका कारण यही है। उसके बाद स्वाद ज्वाद के बाद कौन सा अक्षर आता है? तोय और जोय। कौन सा अक्षर आता है? तोय जोय। ठीक, तोय का पहचान क्या था? तोय का पहचान था इसके ऊपर ना बिंदु था ना कुछ था, बस नुक्ता शेप का अक्षर था, नुक्ता नमा ऐसा हरू जिसके ऊपर कोई भी बिंदु नहीं, कोई कुछ नहीं। और जोय की पहचान क्या थी? जोय की पहचान थी इसके इसके ऊपर एक बिंदु था, बाकी अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो तोय और जोय की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। इससे पहले हमने कौन से अक्षर पढ़े जिनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं थी? दाल, डाल, जाल, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं थी। रे, अड़े, जे, से शॉर्ट फॉर्म थी? नहीं थी। उसके बाद किसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती? अलिफ की नहीं होती। उर्दू में पहला अक्षर अलिफ, मतलब जो आ की आवाज देता है आपको, उसकी भी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, याद रखना। और अलिफ को प्लस इसमें एक और अलिफ जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है जी? आ। अलिफ प्लस अलिफ बराबर किसके हो जाता है? आ के। जैसे आपने लिखना ना आम, आम किससे लिखे? आम लिखोगे आप आ से। ठीक है, अलिफ प्लस अलिफ बराबर हुआ था आ। ठीक, तो इस आ की भी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, ये जैसा है ऐसा ही रहता है, अलिफ है ऐसा ही रहता है। ठीक है, इनके एक और फार्मूला है कि ये उर्दू में जो स्पेस होती है, अगर ये फार्मूला ना होता तो आप कभी सोचना इस बात के बारे में कि ये उर्दू ऐसे त्रोड़ मरोड़ के इकट्ठा करके लिखा जाता है, अगर ये फार्मूला नहीं होता तो उर्दू में कोई स्पेस नहीं होती, ये उर्दू नहीं होता, ये जुबान की एक खिचड़ी हो जाती। लेकिन ये कुछ अक्षर बीच में ऐसे मैं आपको बता दूंगा, अब भी बताऊंगा, कल भी बताऊंगा, परसों बताऊंगा, और तब तक बताऊंगा जब तक इस बात की समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। उर्दू में स्पेस गैप कहां से आता है, कट कहां से? ध्यान दे, अलिफ, अलिफ मुद्दा आ दो, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से और वाउ, कितने हुए गिनती कर सकते हो? एक, दो, तीन, चार, दस होंगे, पांच, छ, सात, आठ, नौ और दस। ये दस अक्षर ऐसे हैं, ये दस ऐसे हरूफ हैं, ये बात ध्यान से सुनना आप, और वीडियो रोक के जब आप लेक्चर सुनोगे तो बार बार सुनना, दिन में दस बार सुनना, एक बार नहीं दस बार, बहुत जरूरी बात है। क्या है ये दस अक्षर ऐसे हैं जो बीच में अगर कहीं आगे कोई वर्ड हम लिख रहे हैं और बीच में अगर कहीं आगे तो उस वर्ड को पूरा करने के लिए दूसरे अक्षर आगे से शुरू करने पड़ेंगे, ये अपने साथ नहीं जुड़ने देंगे। जहां ये बीच में एक बार आ गए ना, ये फिर अपने साथ कुछ और नहीं जुड़ने देंगे। इनके पीछे दो ही बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी कंडीशनें रहेंगी? या तो वो अल्फाज वहां पे खत्म हो गया होगा, मतलब जो वर्ड हमने लिखा और बीच में इन दस में से कोई आ गया, फिलहाल तो आ को आप इनमें से कैंसिल कर दो। क्यों आ को कैंसिल कर दो? क्योंकि आ कभी बीच में आ ही नहीं सकता, आ हमेशा वर्ड के शुरू में आता है। जैसे आम लिखना हो तो अला मुद्दा आ मीम आम, आज लिखना हो तो अला मुद्दा आ जीम आज, आस लिखना हो तो अला मुद्दा आ सीन आस, इतनी एग्जाम्पलें दी। कहने का मतलब ये है कि आ तो बीच में आ ही नहीं सकता, अलिफ बीच में आ सकता है, लेकिन जब अलिफ बीच में आके जुड़ गया तो या तो वो वर्ड वहीं पे खत्म होगा, या तो वो वर्ड वहीं पे खत्म होगा, और अगर वर्ड खत्म नहीं हुआ है और आ बीच में कहीं लग गया तो फिर क्या होगा? उस वर्ड को पूरा करने के लिए दूसरे हर्फ, दूसरे अक्षर बाद में लिखने पड़ेंगे। दो चीजें होगी, एक कंडीशन तो ये होगी कि तो आ तो बीच में आ ही नहीं सकता, आ हमेशा शुरू में आता है, आ से हमेशा कोई अक्षर शुरू से बनता, शुरुआत करता है। ये अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से और वाउ, ये बीच में आ सकते हैं, लेकिन कंडीशनें दो हो सकती हैं। जहां पे ये आ गए, या तो वहीं पे अक्षर लफ्ज खत्म होगा इस अक्षर से, एक चीज, या तो फिर अगर लफ्ज पूरा नहीं हुआ है, वर्ड अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उस वर्ड को पूरा करने के लिए दूसरे अक्षर उससे आगे लिखे जाएंगे। कितनी चीजें होगी? दो चीजें होगी। तीसरी कंडीशन इनकी क्या है? अब आ भी बीच में मिक्स हो जाएगा, अब आ भी आ जाएगा,
अब तीसरी कंडीशन क्या है, अलिफ अलमदा आ दाल डाल जाल रे अड़े जे से और वाव, ये अक्षर कभी भी आपस में नहीं जुड़ते। इनसे जब भी कोई अक्षर बनता है, इनसे जब भी कोई अक्षर बनता है तब क्या होता है, ये हमेशा सिंगल रहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कि भाई दरवाजा लिखो, दाल रे दर वाव अलफ वा जे हे जा, क्या बन गया दरवाजा। दाल के साथ रे नहीं जुड़ा, रे के साथ वाव नहीं जुड़ा, वाव के साथ अलिफ नहीं जुड़ा और अलिफ के साथ रे नहीं जुड़ा, लास्ट पे है आया। मैंने आपको बताया कि जब ये बीच में आ जाएंगे तो अपने साथ कुछ नहीं जुड़ने देंगे, तो रे आ गया था बीच में तो बेचारे है को मजबूरन क्या करना पड़ा, अलग ही रहना पड़ा। क्या बताया था मैंने कि जब ये बीच में आ जाएंगे तो दूसरे अक्षर इनके साथ नहीं जुड़ेंगे, हमको वो लफ्ज पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे लिखने पड़ेंगे अलग से अक्षर। अब एक और कंडीशन है, आपने देखा होगा जो भी वर्ड हम लिखते हैं, जो भी लफ्ज हम लिखते हैं, उर्दू में हमेशा लास्ट अक्षर बड़ी फॉर्म से एंड होता है। बड़ी फॉर्म से एंड होने का मतलब ये है कि उस लफ्ज में, उस वर्ड में अब आगे कुछ और जुड़ने वाला नहीं है, उस लफ्ज से वो वर्ड बन गया, उस अक्षर से वो वर्ड बन गया। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी वर्ड को अंत करते हैं तो बिग फॉर्म से अंत करते हैं। कोई भी एग्जांपल उठा के चलो आप, जैसे आपने लिखा भाई, क्या लिखा आपने, कश्मीर लिखा, कीफ शीन मीम ये रे, क्या लिखा जी, कश्मीर, किससे एंड हुआ, रे से एंड हुआ, फुल फॉर्म में है ना रे। खैर रे अड़े जैसे की तो फुल फॉर्म ही नहीं होती, लेकिन फिर भी रे तो फुल फॉर्म में। अब कोई ऐसा अक्षर जैसे मान के चलिए आप, हमने लिखा बस, बे सीन, बे तो शॉर्ट फॉर्म था, शॉर्ट फॉर्म से शुरू हुआ था, लेकिन एंड कहां पे जाके हुआ, सीन से एंड हुआ, और सीन कैसा आया, फुल फॉर्म में आया। क्या मतलब है इसका, कि बस लिखने में जिन अक्षरों की हमें जरूरत थी उनसे बस बन गया, अब बस में कोई और अक्षर ऐड नहीं हो सकता, और जो लास्ट वाला ऐड हो गया वो अपनी फुल फॉर्म में आएगा। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इनके साथ कुछ और भी जुड़ने वाला है, लेकिन बीच में लॉजिक क्या है, अलिफ आ दाल डाल जाल रे अड़े जे से और वाव, 10 ऐसे अक्षर हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म भी तो नहीं है लेकिन ये आपस में भी नहीं जुड़ते। ये थोड़ी सी याद रखने वाली बातें हैं, इसलिए बार बार बता रहा हूं, इतना जोर लगा के बता रहा हूं, इतना जोर मैंने इससे पीछे नहीं लगाया है जितना इस पे लगाया है, क्योंकि मैं जानता हूं ये अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आपको उर्दू में ये पता, जैसे ना कोई बोलता है मुझे पता नहीं चल रहा यार कि ये दाल आ गया, अब दे रे है, फिर खे है, फिर ते है, ये दाल अलग क्यों आया, ये दाल अलग क्यों आया, ये रे अलग क्यों था, फिर खे और ते आपस में क्यों जुड़ गए। ठीक है ना, कभी कभार ऐसे सवाल उठते हैं कि भैया अगर खे खे और ते आपस में जुड़ गए तो दाल और रे क्यों नहीं जुड़े थे, तो उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि दाल डाल जाल रे अड़े जैसे वाव अलिफ और अलम मुद्दा कभी भी आपस में नहीं जुड़ते। तो दरख्त लिखने में दाल और रे से शुरुआत हुई थी, तो दाल और रे आपस में जुड़ते नहीं जुड़ते, अब रे बीच में आया, खे आगे जुड़ता इसके साथ नहीं जुड़ता। ये भी बताया मैंने कि अगर इन 10 में से बीच में कभी भी कोई बीच में आ गया, बीच में अगर घुसेड़ला फिर अपने साथ नहीं जुड़ने देगा, तो खे और ते अलग से लिखने पड़ेंगे। खे और ते आपस में जुड़ सकते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म है, तो खे की शॉर्ट फॉर्म से शुरुआत की, खे की शॉर्ट फॉर्म से शुरुआत की, और ते से हमें पता है ये लफ्ज अंत हो रहा है, दरख्त लिखने में लास्ट में ते के बाद अब हमें कोई और अल्फाबेट नहीं जोड़ना, तो इसलिए ते को हमने फुल फॉर्म में लिखा और दरख्त को ते के साथ फुल फॉर्म से अंत कर दिया। तो ये क्या फॉर्मूला, चार चीजें बेसिक बताया हूं, याद रखना ध्यान से, फिर बताऊंगा एक बार कल वाली वीडियो में, फिर बताऊंगा आने वाली दो चार वीडियो में, बार बार ये चीज रिपीट करता जाऊंगा। कौन कौन सी चीजें रिपीट करूंगा, अलिफ अलिफ द आ दाल डाल जाल रे अड़े जे से और वाव, ऐसे अक्षर हैं जिनसे कोई लफ्ज अगर शुरू होगा क्या होगा, ये शुरू में सिंगल होंगे, एक कहानी। दूसरी कहानी क्या है इनकी, दूसरी कहानी ये है कि अलिमुदा आ जो है ये कभी भी बीच में नहीं आता ससुरा, ये हमेशा अपने आप को सीनियर मानता है
और किसी लफ्ज की शुरुआत में ही आएगा। ये खुद से किसी लफ्ज की शुरुआत कर सकता है लेकिन किसी लफ्ज को अंत नहीं कर सकता, किसी लफ्ज को बीच वाला ढांचा नहीं दे सकता। कौन? अलिफ मुद्दा आ, ठीक है। उसके बाद दाल डाल जाल रे अड़े जेद से और अलिफ, ये ऐसे अक्षर हैं जो आपस में भी नहीं जुड़ते। मैंने एक एग्जाम्पल दी आपको दरवाजे की, ठीक है, कि भाई आपस में ये नहीं जुड़ते। जैसे दोर दाल वाव रे दोर, आज कौन सा दोर चल रहा है, दा ओरा दोर, तो मत जुड़े आपस में। और अलफ वाव रे और, जुड़े आपस में, नहीं जुड़े, ठीक है। वार वाव अलफ वार रे वार, मतलब अब मेरा वार आता है, वाव अलफ वार रे वार, जुड़े आपस में, नहीं जुड़े। रे अलफ राज है, राज, कोई राज की बात है, ये है राज, तो राज जुड़ा आपस में, नहीं जुड़ा। कहने का मतलब ये है कि ये आपस में नहीं जुड़ते। क्यों नहीं जुड़ते? एक तो इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं, और दूसरी बात यह है कि अगर सारे ही अक्षर आपस में जुड़ने वाले होते तो फिर तो उर्दू में खिचड़ी बन जाती। इसलिए चक्कर क्या है कि कुछ ऐसे हैं जो आपस में नहीं जुड़ते, किसी के साथ जुड़ते हैं और एक ही बार जुड़ते हैं, उसके बाद उसके लफ्ज को पूरा करने के लिए अक्षर आगे लिखने पड़ते हैं। जैसे इन्हीं के बीच में कम्प्लीट कंडीशन है कि मान के चलिए मैंने लिखना था अंदर आओ अलफ नून दाल अरे, क्या बना अंदर, अलफ नून तो अलफ अलफ तो सिंगल रहा। मैंने ये भी बात बोली कि इनसे अगर कोई अक्षर लफ्ज शुरू होगा तो ये अक्षर हमेशा सिंगल रहते हैं शुरू में, तो एक कहानी इधर ये आ गई कि अंदर लिखने में अलिफ लग रहा, अब नून आ गया बीच में, नून अलग लिखना पड़ेगा, ये है नून की शॉर्ट फॉर्म, ये क्या है नून की शॉर्ट फॉर्म। अब नून की शॉर्ट फॉर्म तो हमने लिख दी, अब अलफ नून दाल रे दर अंदर आ ना दारा, अंदर लिखना है ना, तो नून के साथ दाल तो जुड़ सकता है, नून के साथ दाल तो जुड़ गया, नून के साथ दाल तो भैया जुड़ गया, लेकिन दाल आ गया बीच में, अभी रे चाहिए हमें, तो रे अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि रे इसके साथ नहीं जुड़ेगा। और इधर रे की जगह अगर कोई और भी होता ना तो तब भी इसने नहीं जुड़ने देना था, क्योंकि रे बीच में आ गया, ये आ गया, आगे आ गया, तो इसको आगे लेके अब अलग से लिखना पड़ता था। जैसे हम लिखते हैं तंदुरुस्त, ते नून ते नून दाल, तन ते नून दाल रे सीन ते, क्या लिखा मैंने, तंदुरुस्त लिखा। इधर लिखते हैं खाली जगह में, लिखते हैं ते नून, एक मिनट जरा थोड़ा सा रफ मिटा देते हैं हम, ठीक है, रफ वर्क के लिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। क्या लिखना हमने, तंदुरुस्त, तो तंदुरुस्त कैसे लिखेंगे, ते नून दाल, ते नून दाल, तन दाल आ गया ना बीच में, अब रुस्त लिखना है, रे दाल के बाद रे आ गया, अब रे ने भी नहीं जुड़ने देना कुछ अपने साथ, तो रे क्या करेगा, सीन और ते अलग से लिखने पड़ेंगे। ते यहां पे फुल फॉर्म आया, ते क्यों फुल फॉर्म आया बताया हुआ, क्योंकि ते से इस वर्ड का अंत हो रहा है और सीन इसके साथ जुड़ सकता था, तो ये आ गया आपका तंदुरुस्त। एग्जांपलों के साथ बता रहा हूं कि कैसे ये नहीं जुड़ सकते, ठीक है। तो पहचान आ गई इनकी, दाल डाल जाल रे अड़े जे से वाव अलब अलम दा आ, ऐसे अक्षर हैं जिनसे कोई वर्ड शुरू हो तो हमेशा ये सिंगल रहते हैं। अगर ये कहीं बीच में आ गए तो दो कंडीशनें हो सकती हैं, या तो वो वर्ड वहीं पे खत्म होगा, और अगर वो वर्ड खत्म नहीं हुआ है तो उस वर्ड को पूरा करने के लिए हमें नेक्स्ट अक्षर जो हैं वो आगे लिखने पड़ेंगे, जो कि मैं इधर एग्जाम्पलें दे रहा हूं आपको और आने वाली क्लासेस में फिर से दूंगा, ठीक है। तो हम पीछे आते हैं अब अपनी मेन बात पे कि कहां तक पहुंचे हम, स्वाद ज्वाद तोय जोय, ठीक है। उसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एन गेन फे काफ कीव काफ लाम मीम नून वाव हे हमजा छुटिए और बढ़िए, कल की क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अच्छे से होगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे, कंसंट्रेशन से करेंगे, ध्यान लगा के करेंगे, मेहनत से करेंगे तो अच्छे से होगा, और एक ही दिन में अगर सारा प्रेशर डाल देंगे, एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, सही तरीके से कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी, ठीक है। और कम कम पढ़ेंगे, चाहे दिन के चार ही अक्षर सीखिए आप, लेकिन सीख लीजिए, दिन के चार ही सीखो लेकिन सीख लो। तो इसी के साथ आज का फिलहाल इतना ही रखते हैं,
एक बार पीछे देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज, जैसे कि लेक्चर 3 से शुरू किया था, बीच में क्या पढ़ा हमने, रे पे ते टे से को शॉर्ट फॉर्म को एक बार रिपीट किया हमने। उसके बाद आपके लिए एक चीज बोली गई थी कि भैया आप क्या करेंगे, हिंदी टू उर्दू कायदा ले लेंगे थोड़ा सा सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए। और उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने, जिम की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी, चे की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी, ठीक है की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी और खे की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी। उसके बाद हमने दाल की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी, डाल की पढ़ी, जाल की पढ़ी, फिर रे की पढ़ी, अरे सॉरी दाल डाल जाल को फिर से रिपीट किया पढ़ा, रे अड़े जे से को पढ़ा। इनकी शॉर्ट फॉर्म तो हमने नहीं पढ़ी, दाल डाल जाल रे अड़े जे से की तो शॉर्ट फॉर्म हमने नहीं पढ़ी, कहां से पढ़नी थी, क्योंकि दाल डाल इनकी होती नहीं है, दाल डाल जाल रे अड़े जे से की शॉर्ट फॉर्म कोई भी नहीं होती, ये ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमने एक रूल सीखा, एक क्या रूल सीखा कि इनका इस्तेमाल क्या है, इनका इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका किसी के साथ क्या रिलेशन है, जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, अगर जुड़ते हैं तो फिर क्या कंडीशन रहती है, ठीक शुरू में कैसे रहते हैं, बीच में कहीं आगे तो क्या कंडीशन है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि लफ्ज़ कोई भी जब अंत होता है हमेशा बिग फॉर्म में ही अंत क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसके बाद उस लफ्ज़ को लिखने के लिए, उस अक्षर को लफ्ज़ को लिखने के लिए हमें दूसरे अक्षरों की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम वहीं पे बंद कर देते हैं स्पेस, फिर नेक्स्ट, तो उर्दू में स्पेस बंद नेक्स्ट, ये तभी से होता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सीन, फिर पढ़ा हमने शीन, सीन शीन की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी, उसके बाद क्या पढ़ा सीन शीन, सीन शीन के बाद क्या पढ़ा हमने स्वाद ज्वाद, फिर स्वाद ज्वाद की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी, फिर हमने तोय पढ़ा, फिर जोय पढ़ा, और इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, ये बात भी हमने बता दी। लेकिन एक लॉजिक और है, अब मुझे याद आ गया, जैसा कि इन अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म नहीं थी तो ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते, लेकिन तोय जोय की शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है, लेकिन ये फ्रेंडली, ये थोड़ा फ्रेंडली नेचर के इंसान है, ये जुड़ जाते हैं, ठीक ये जुड़ जाते हैं, ये अगर शुरू में भी आएंगे तो अपनी फुल फॉर्म में ही रहेंगे, और बीच में भी आएंगे तो फुल फॉर्म में रहेंगे। आपको एग्जांपल देता हूं जैसे कि क्यों जुड़ते हैं, ये वाले तो शुरू में आके दाल डाल जाल आलम वाओ रेड जैसे वाओ, ये तो भाई बीच में आके क्या करते हैं स्पेस डाल देते हैं, दूसरे आगे लिखने पड़ेंगे। अगर शुरू में इनसे कोई अक्षर बना, शुरू में इनसे कोई लफ्ज बना, इन अक्षरों से कोई लफ्ज बन रहा है तो क्या होगा, ये सिंगल रहेंगे। लेकिन तोय जोय का क्या है, तोय जोय का ऐसा नहीं, तोय जोय शुरू में सिंगल नहीं रहेंगे, तोय जोय जैसे मान के चलिए तोय से बनने वाला, हम तोता की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये है तो इसके सामने लिखना तोता, तो ओ लिखना हुआ हो तो ये लगता तोता, जुड़े आराम से, फ्रेंडली नेचर के बंदे हैं। लेकिन वाओ बीच में आ गया, इसने तोए को अपने साथ नहीं जुड़ने दिया, ठीक वाओ देखा इधर भी अपनी छाप छोड़ गया, अपने साथ मत जुड़ने दिया इसने, तो ये लगता अलग से लिखना पड़ा। जैसे हम लिखते हैं तबला, तोए बे लाम हेला तबला, तोय के बाद बे लाम हेला क्या बन गया तबला, तो बराबर यहाँ पे आया, तोय से शुरू हुआ लेकिन बिग फॉर्म में ही है, जैसे अपनी ओरिजिनल है वैसे ही शुरुआत की, आगे वाले को भी जुड़ा और आगे एक लफ्ज पूरा कर दिया। जैसे हम लिखते हैं बतख बे तोय खे, क्या बना ये बतख बे तोय खे तक, क्या लिखे हम बतख, तो बतख में भी क्या है, बतख में भी तोय बीच में आया अपनी पूरी पहचान के साथ, अपने शौक के साथ, दोस्ती के साथ, खे के साथ भी जुड़ गया और बे के साथ भी जुड़ गया, आया बीच में जुड़ गया, मतलब कि तोय एक फ्रेंडली आदमी है। उसी तरह नजर हम लिखते हैं जोए के साथ नून, जोए रेजर, क्या बना नजर, नून का बिंदु दे दो छोटा छोटा लिखते हैं, नून जोए रेजर क्या बन गया जी नजर, नून जोए रे, नून जोए रे क्या बना नजर। तो नजर में क्या लिखा हमने, ये आया जोए इधर, क्या किया जोए ने, बराबर आया फुल फॉर्म में और रे भी इसके साथ जुड़ गया, तो नून जोए रेजर नजर, ठीक है। तो जोए तोए जोए जो है इनकी शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है, ठीक ज्यादा ज्यादा साइज को छोटा कर दोगे आप, इतना लिख दोगे, इतने से इतना लिख दोगे, ठीक इतने से इतना लिख दोगे, लेकिन बनावट इनकी बिल्कुल सेम होती है, इनकी बनावट में कोई भी चेंजिंग नहीं है, इनको तोड़ फोड़ के कहीं से नहीं लिखा जाता, ये ऐसे ही है, सेम शेप में रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही। पहचान क्या है, तोय के ऊपर कोई बिंदु नहीं है, जोय के ऊपर, जोय के ऊपर क्या है एक बिंदु है, ठीक है। तो तोय जोय के बारे में कुछ जरूरी बात बतानी थी मैंने आपको कि ये शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है इनकी, लेकिन फिर ये सिंगल क्यों रहते हैं, फिर क्यों जुड़ जाते हैं, क्यों फ्रेंडली है इतने ही, तो इनका ये है कि ये जुड़ जाते हैं और वो नहीं जुड़ते, ठीक है। तो तोय जोय तक यहां तक रखते हैं, इसके बाद की नेक्स्ट क्लास में हम
इसके आगे की शॉर्ट फॉर्म के ऊपर बातचीत करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक और बात बता दूं आपको, अगर आपको ये वीडियो सही लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सीखने की कोशिश करें। और जैसा एक और चीज़ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ स्पार्क इंस्टीट्यूट में मैं ही ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ उर्दू की, ठीक है। एक बार फिर से बता दूँ, मोहिंदर सिंह नाम है मेरा, मोहिंदर सिंह, ठीक है। तो उर्दू फैकल्टी स्पार्क इंस्टीट्यूट, ठीक। अगर किसी को मुझसे ऑफलाइन क्लासेस पढ़नी हो तो आप स्पार्क इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ठीक, रेगुलर क्लास होती है, बैच चलते हैं हमारे पास, अब भी बैच चल रहे हैं। तो अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो चलो वो तो हम कर ही रहे, लेकिन अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो वहाँ पे आके क्लास में पढ़ सकता है, स्पार्क इंस्टीट्यूट में आप आके बैच ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं ऑफलाइन क्लास में हमारे साथ। और ऑनलाइन भी आपके लिए ही है, ऑफलाइन भी आपके लिए ही है, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आपको कि अगर कोई बच्चा शौक रखता है, अगर क्लास में हमारे पास आना चाहता है तो वो आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा भी एनटी और पटवारी के लिए जीएस के कोर्सेज भी हैं हमारे पास, यहाँ हमारे यहाँ चल रहे हैं, जीएस के कोर्सेज भी हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस फैकल्टी सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ठीक। कोई भी अगर कोचिंग लेना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद, कोई अच्छे एग्जाम की एग्जाम पास करना चाहता है, आप स्पार्क इंस्टीट्यूट में आइए, विजिट करिए एक बार, डेमो क्लासेस अटेंड करिए, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि एडमिशन लेना है या नहीं, वो तो आप तक है। लेकिन आप अगर आना चाहें तो कोई भी आ सकता है, विजिट कर सकते हैं आप सब लोग। ऑपोजिट साइंस कॉलेज जो है, स्पार्क इंस्टीट्यूट है ऑपोजिट साइंस कॉलेज, ठीक है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम इसके अलावा वाली शॉर्ट फॉर्म को, कल हम इसके बाद वाली शॉर्ट फॉर्म को जो है क्या करेंगे, इसके अलावा वाली शॉर्ट फॉर्म को कल हम करेंगे इसके बाद।